हे एवरीवन, वेलकम टू फूडी भवी चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दो क्विकली बनने वाली समर स्पेशल ड्रिंक्स की रेसिपी, जो टेस्टी होने के साथ साथ काफ़ी हेल्दी भी हैं। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 2 बड़े चम्मच चिया सीड्स। इसमें मैं पानी ऐड कर दूंगी और इसको भिगो कर रख दूंगी लगभग 20 मिनट के लिए। अब मैंने यहाँ पर कुछ 4 से 5 स्ट्रॉबेरी ले ली हैं। इन्हें मैं अच्छे से वॉश कर लूंगी। स्ट्रॉबेरीज को अच्छे से वॉश करने के बाद हमें इन्हें कट कर लेना है। साथ ही मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 2 बनाना। मैं बनानास को भी कट कर लूँगी। स्ट्रॉबेरी और बनानास को कट कर लेने के बाद मैंने इन्हें एक ब्लेंडर जार में ऐड कर लिया है। अब मैं इनको बारीक पीस लूँगी। आप चाहें तो इसमें शुगर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने शुगर को स्किप किया है। स्ट्रॉबेरी और बनाना के अच्छे से पीस जाने के बाद मैंने इसमें मिल्क ऐड कर लिया है। इसके बाद मैं इसको एक बार और ब्लेंड कर लूँगी और हमारा स्ट्रॉबेरी बनाना मिल्कशेक बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसे एक जार में ऐड कर लूँगी। साथ में मैं इसमें ऐड कर दूँगी 2 चम्मच चिया सीड्स, जो हमने पहले से भिगो कर रखे हुए थे। हमारे हेल्दी समर ड्रिंक बनकर रेडी है। ट्राई दिस इजी टू मेक मिल्कशेक रेसिपी एंड कमेंट्स योर फीडबैक। अब बनाते हैं हमारी दूसरी ड्रिंक की रेसिपी। इसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ अंगूर ले लिए हैं। यहाँ पर जो ये मैंने अंगूर लिए हैं, ये कुछ खट्टे अंगूर हैं और कुछ इसमें मीठे अंगूर हैं। तो इन अंगूर को मैं एक जार में ऐड कर लूँगी। अंगूर को ब्लेंडर जार में ऐड करने के बाद मैंने इस ड्रिंक को रिफ्रेशिंग बनाने के लिए ऐड कर दिए हैं इसमें कुछ पुदीना की पत्तियाँ। साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है काला नमक और लगभग 1 बड़ा चम्मच चीनी। आप चाहें तो चीनी को स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैंने पहले ही जैसे बताया कि थोड़े से अंगूर खट्टे थे, इसलिए मैंने इसमें चीनी डाल दी है। अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। लगभग 1 कप पानी ऐड किया है मैंने इसमें। इसके बाद हमें इसे प्योरी कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ पर पानी को स्किप करके अंगूर को ऐसे ही पीस सकते हैं और बाद में इसे स्प्राइट या फिर सोडा के साथ सर्व कर सकते हैं। अंगूर के अच्छे से प्योरी हो जाने के बाद मैं इसे एक स्ट्रेनर की हेल्प से छान लूँगी। हमारे काले अंगूर का जूस बनकर एकदम रेडी है। अब मैं इस जूस को एक सर्विंग ग्लास में ऐड कर लूँगी, जिसके लिए मैंने काले अंगूर के जूस को फ्रिज करके रख दिया था लगभग 4 से 5 घंटे के लिए। आप चाहें तो प्लेन आइस क्यूब का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं सर्विंग ग्लास में ऐड कर दूँगी ये आइस क्यूब्स। साथ ही अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी बनाए हुए जूस को। जूस को थोड़ा सा रिफ्रेशिंग लुक देने के लिए मैंने यहाँ पर एक पुदीना की पत्ती ली है और इसे इसको गार्निश कर लिया है। तो आप भी ट्राई कीजिए इस इजी से बनने वाली ग्रेप्स जूस की रेसिपी को और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा।